रुद्रप्रयाग जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर कई युवा स्वरोजगार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नजदीक जयमंडी गांव के राकेश बिष्ट मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़कर अपने ही घर में पशुपालन और मुर्गी पालन कर रहे हैं। वर्ष 2013 में घर लौटे राकेश ने जब अपने गांव में खेती बाड़ी और पशुपालन में रोजगार अपनाया तो उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। मुनाफा हुआ तो इस कार्य में पूरे परिवार का साथ मिला। हर रोज 135 लीटर दूध उत्पादन के साथ साथ सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी खासी आमदनी होने लगी। आज राकेश बिष्ट जनपद भर में उद्यमिता के क्षेत्र में न केवल सफल किसान है बल्कि वे राज्य भर के जिलों में अन्य किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में दुग्ध उत्पादन और उद्यानीकरण के गुर भी सिखाते हैं। और आज की डेट में देखिए लगभग 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अब मिनिमम जो है कि गाय का दूध बिक रहा है। यदि हम भैंस पालन करते हैं तो 70 से 80 रुपए भैंस का दूध बिक रहा है। और जैसे कि आप हमारे पास गाय देख रहे हैं, ये 18 लीटर 20 लीटर कोई 25 लीटर वाली गाय है। यदि औसतन अगर हम एक गाय का भी मान के चलें और लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये कीमत मान के चलें इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट हमें अगर अपना जेब से नहीं भी करना है तो सरकार की कई सारी योजनाएं इसमें चल रही है। और एक 0% इंटरेस्ट पे लगभग ये पंडित दीनदयाल वाली जो योजना है उसमें एक गाय दो गाय की 50,000 एक लाख रुपए की वो योजना चल रही है। यदि वो आंचल से जुड़ना चाहे, यदि उसमें महिला जुड़ रही है तो लगभग 75% सब्सिडी से मिल रही है। और यदि अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अगर बड़ा काम करना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक की योजना उसमें मतलब दिया जा रहा है जिसमें 25% सब्सिडी है। और हालांकि किसी का अगर व्यापार, किसी का अगर कोई इस कार्य कर रहा है वो बड़ा काम करना चाहता है तो सरकार की 50 लाख और 1 करोड़ की योजना भी इसमें है कि रोजगार करने के लिए। लेकिन जो अगर युवा नया युवा करना चाहता है 4 गाय से महीने के लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गोयल बताते हैं कि राकेश बिष्ट पशुपालन और उद्यानीकरण में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें विभाग के द्वारा दिया गया है। जैसे सब्जियां उगाते हैं, उसके अलावा कुछ बीच में उन्होंने मछलियां पालने की भी कोशिश की थी, इसके अलावा पोल्ट्री रख रखी है, कुछ डक्स भी रख रखी हैं। तो बेसिकली खैर उनका जो मेन व्यवसाय है वो डेयरी ही है, और इसमें वर्तमान में उनके पास 10 गाय हैं और एक भैंस है, और पशुपालन की सभी सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। शुरू में उनको डेयरी शुरू करनी थी तो उसके लिए उनको धनराशि की, फाइनेंस की भी ज़रूरत थी, तो हमने अपने पशुपालन विभाग की योजनाओं के माध्यम से भी उनको ऋण दिलवाया, और फिर बाद में फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से उनको एक बड़ा लोन दिलवाया है जिसके माध्यम से उन्होंने करीब 10 गाय और एक भैंस का रख रखी हैं और अच्छी व्यवसाय कर रहे हैं। उसके माध्यम से वो अपने डेयरी जो डेयरी पालन विभाग है, डेयरी विभाग है, उसको भी दुग्ध उपलब्ध कराते हैं और साथ में स्वयं भी मार्केटिंग करते हैं लोकल रुद्रप्रयाग में।